अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ अली हमजा। दोस्तों, जब भी पाकिस्तान की बात होती है कहीं बैठ के, तो मोस्ट लोग यही बात करते हैं कि पाकिस्तान ने आखिर हमें दिया ही क्या है। पाकिस्तान में तो ये मसाइल हैं। पाकिस्तान में बिजली का मसला है, पाकिस्तान में पानी का मसला है, पाकिस्तान में गैस का मसला है, पाकिस्तान में ये मसाइल है, वो मसाइल है, पाकिस्तान में तो है ही कुछ नहीं। लेकिन कभी हमने इसके पॉजिटिव पहलुओं को देखा ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या नहीं है। पाकिस्तान में समंदर है जिससे बेशतर मालिक महरूम है, पाकिस्तान में सहरा है, पाकिस्तान में बुलंदोबाला चोटियां हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा ATM है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी आपाशी का निजाम है। क्या नहीं है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मादनियात हैं, पाकिस्तान में कोयला है, पाकिस्तान में यूरेनियम के बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में ये जो नमक है दूसरे मालिक में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में देखिए नमक के वसी जखायर हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों से मालामाल कर रखा है, फिर भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान में है ही क्या। मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान में क्या नहीं है। पाकिस्तान में हम आजादी से घूम रहे हैं, जरा बाहर जाके देखिए, कश्मीर में, फलस्तीन में, दूसरे मुल्क में चले जाइए, ये शाम में चले जाइए आप, तो आपको पता चलेगा क्या सूरत हाल है वहां पे। और हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि यार कितने क्या कुछ ने दिया हमें पाकिस्तान में। आजादी से घूम रहे हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं आजादी से, आजादी ये राय का हक है हम सबको। द पॉइंट इज दैट कि हाँ, कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। इंफरादी तौर पर हम कोशिश करेंगे तो हमारा मुल्क यकीनन तरक्की याफ्ता मालिक की सब में शामिल हो जाएगा। ओके दोस्तों, अपना अपना किरदार अदा कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।